ये हमारा 21वां भादो मेला 2024 हम लोग मना रहे हैं। प्रतिवर्ष भादो के महीने में भादो मेला का कार्यक्रम जिसपुर धाम में मनाया जाता है। इस परिप्रेक्ष्य में इस बार दिनांक 23 अगस्त 2024 से 27 अगस्त 2024 तक भादो मेला का कार्यक्रम मनाया जा रहा है। इसमें कल अखंड रामायण पाठ हुआ है, आज पाठ का समापन हुआ है। कल माँ काली को, हनुमान जी महाराज को पोशाक का अर्पण किया गया है। आज पार्थिव शिवलिंग निर्माण हुआ है, अभिषेक हुआ है। कुछ ही क्षणों के बाद मैजीपुर बालाजी का कीर्तन होगा और कल इसी परिप्रेक्ष्य में सुबह जो है 108 हनुमान चालीसा के पाठ होंगे, रात्रि में हवन होगा, कुंडली बाद यंत्रों से घाट एवं गोटों का आयोजन कल होगा, परसों बाबा का 56 लोग दर्शन होंगे, फूल बंगला दर्शन होंगे, इनके साथ साथ भजन संध्या का भी आयोजन होगा और सायकाल 4 बजे से विशाल भंडारे का आयोजन होगा जो रात्रि में लगभग 2 से लेकर 3 बजे तक चलेगा। 56 लोग प्रसाद के लिए कोई संख्या नहीं है, जब तक जितने लोग भी आएंगे शाम को 4 बजे भंडारा शुरू हो जाएगा और रात्रि 2-3 बजे तक चलेगा। ये सब प्रधम की जनता ही नहीं, चारों तरफ की जनता, दूर दूर दराज से लोग यहाँ आते हैं और वो सब लोग जो है यहाँ से अपनी मनोकामना पूरी करते हैं और उसी परिप्रेक्ष्य में सभी लोगों के सौजन्य से ये कार्यक्रम आयोजित होता है। व्यक्तिगत किसी पर्सनल किसी व्यक्ति का ये कार्यक्रम नहीं है। मीडिया के माध्यम से सिर्फ यही कहना चाहते हैं, क्योंकि भादो का महीना, सावन का महीना, श्रवण मास का महीना, शंकर जी का महीना होता है और उन्हीं की कृपा से हम लोग ये कार्यक्रम मना रहे हैं। हम लोग यही प्रार्थना सब जनता से करेंगे कि वह ठाकुर जी की सेवा में आए और ठाकुर जी उनकी मनोकामना, उनकी मांगों को पूरा करें। बहुत गांधी कार्यक्रम में नई युवा संदेश ये है, हम लोग आज 20-21 साल के कार्यक्रम को मना रहे हैं और मैं नहीं समझता हूँ युवा कितना यहाँ डे बाई डे मतलब ईयर बाई ईयर कितना जोड़ रहा है और ये संदेश जाता है। ये तो आप भी देख रहे हैं कलयुग में आकर धार्मिक ज्यादा लोग अग्रसर हो रहे हैं, वही यहाँ आज भी युवा बहुत है, मेरे ख्याल से बहुत लोग यहाँ पे भी जुड़ा हुआ है। देखिए एक बार बताऊं मैं आपको कि जो भी यहाँ आता है मान्यता तो ये कहते हैं कि आप 7 परिक्रमा यहाँ बाबा की लगाइए और आपका कार्य सिद्ध हो जाता है और ये सब चीज क्या होती है, श्रद्धा के ऊपर होती है। आप कितनी श्रद्धा और भाव से यहाँ आ रहे हैं इस पर ही तो डिपेंड करता है। किसी भी देवस्थान पे आप जाइए जब तक आपके ऊपर श्रद्धा और भाव नहीं है तो मैं नहीं समझता हूँ कि कार्यक्रम होने वाला है। यहाँ ऐसी मान्यता मानते हो, मैं तो बहुत 15 साल से यहाँ जुड़ा हूँ और जहाँ तक मैं मानता हूँ जो भी यहाँ आता है मेरे ख्याल से निराश होकर यहाँ से नहीं जाता। यह है कि हमारे खाटी बाबा की प्रेरणा से हर प्रतिवर्ष की बात इस वर्ष भी है, मेला मनाया जा रहा है, उत्सव मनाया जा रहा है और यहाँ उनकी कृपा से जो श्रद्धा से आता है वक्त उसकी मनोकामना हमारे खाटी बाबा अधिकतर पूरी ही करते हैं, कोई निराश यहाँ से नहीं जाता है। काफी दूर दराज से लोग यहाँ आते हैं और मनोकामना यहाँ पूरी होती मेला खाटी बाबा की कृपा से 5 जन का बहुत अच्छी तरह से संपन्न होता है। इसमें आप लोगों को भी हमारा आपका 56 मौका भी है, जो लोग भी आते हैं यहाँ यही कृपा है।